मुझे पता है यार कि अभी आप क्या फील कर रहे होंगे, आपके ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप कितना टेंशन में होंगे, आप कितना प्रेशर में होंगे, ओवर थिंकिंग भी कर रहे होंगे, है ना। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि यार इस फेज से मैं भी आया हूँ। लास्ट के एक दिन जब बचे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा निगेटिव थाट्स आते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो खुद को पॉजिटिव रखते हैं और रिजल्ट उसी का होता है। और आपको वही करना है, अभी एक दिन बचा है ना बस। पता है मैं आज अपने चैनल पर पहली बार अप्रैल में आया, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगा ना यार कि एक पॉजिटिव पुश आपको देना जरूरी है इस लास्ट के समय में, एक पॉजिटिव वाइब देना जरूरी है आपको इस लास्ट के समय में। एक चीज सोच के हमेशा पॉजिटिव रहना कि यार कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि नॉर्मल से पढ़ाई किए हुए स्टूडेंट होते हैं ना, उनका रिजल्ट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ना एक प्रेशर नहीं रहता है, वो ज़्यादा सोचते नहीं कि यार मेरा होगा कि नहीं, मेरा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता रहता है कि मेरा तो होगा नहीं। वो बहुत कूल होकर एग्जाम देने जाते हैं और पता है उनका हो जाता है, हो जाता है। ये केस मैं देख चुका हूँ, ठीक है। तो बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार इस समय में जो एक दिन बचा हुआ ना, जितना नॉर्मल आप रह सकते हो, जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हो उतना सोचो। पता है जब आपका रिजल्ट हो जाएगा ना तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होगी कि आप 500 बच्चों को ऐसे गाइड कर दोगे। आप करोगे ही, अगर आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ पर आप करोगे ही जाके कि ऐसे ही 500 बच्चों को गाइड कर सकते हो आप। आप उतने मैच्योर हो तो ऐसा नहीं कि यार आपको रिजल्ट होने के जस्ट बाद आप इतने मैच्योर हो जाते हो, नहीं, आप उतना मैच्योर अभी भी हो। यार क्यों ना वो मैच्योरिटी को आप अभी यूज कर लो, आप खुद को गाइड कर लो एक दिन के लिए कि मुझे वो सारी गलतियां नहीं करनी है जो आज से पहले हम मॉक टेस्ट में किया करते थे। मुझे लास्ट के समय को भी अच्छे से यूज करना है, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। बहुत सारा फैक्टर होता है जिसको आप इस समय में यूज कर लो। बाकी एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब भी आप सेंटर पे जाना ना, सेंटर पे जाना तो पूरा खुश होके जाना यार। एग्जाम से एक दिन पहले वाला रात में ना आप वो चीज़ खा लेना जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट हो, ताकि आपको कुछ अच्छा फील हो, है ना। सेंटर पे जाना ना तो दूसरों से डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। ये मत सोचना कि यार उसके इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं आए, मैं अकेला आया हूँ सेंटर पे, ये भी मत सोचना, ठीक है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपका जाने वाला कोई नहीं है आपके साथ, अकेला जाओ, एग्ज़ाम फोड़ के आओ, ठीक है। फिर फोड़ के आने के बाद घर पर फ़ोन कर देना, सिलेक्शन हो गया इस बार, ठीक है, हो जाएगा इस बार, अच्छा मार्क्स आ रहा है ना। एग्ज़ाम सेंटर पे खुद को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, डिस्ट्रैक्ट मत होना किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं कि यार दूसरे बच्चे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे बातें मैंने आपको आपसे कर रखा है, हर एक पॉइंट पे मैंने आपको गाइड किया है, हर एक पॉइंट पे ऐसे करो ऐसे नहीं करो। एक बार याद करना एग्ज़ाम सेंटर में, मुझे बहुत सारे बातें मैंने आपको बताई है ना। बस जितना हो सके कूल होके पेपर को अटेम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन ना आए स्किप कर देना, राउंड करना स्किप कर देना। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि एनटीए आपको इस तरीके से भी जज करती है कि आप क्वेश्चन के साथ कैसे लड़ते हो। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो आप उसके साथ कैसे लड़ते हो, है ना। होगा कि स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आ जाएगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्या आप उसी में 5 मिनट लगा दे रहे हो? ये गलती आपको नहीं करना है। OMR शीट आपको गलत नहीं भरना है। बहुत सारी बातें मैंने आपसे, हो सके तो यार लास्ट के जो एक दिन बचे हुए ना, है ना, मन करे तो छोटा मोटा चीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ना मन करे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर लगे कि यार वो डायग्राम मुझे नहीं याद है, वो पढ़ लेते हैं, वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पढ़ लेना चाहिए, वो कर लो, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कुछ नया मत करने लगना, ठीक है। दोस्तों से दूर रहो, फैमिली वालों से बात कर लो एक बार, है ना। अगर फैमिली भी आपका डिस्ट्रैक्टिंग है तो मत करो, ठीक है। किसी किसी के फैमिली भी डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, मत करना। खुद पे बिलीव रखना, अपना बेस्ट देना, ठीक है। प्रॉमिस करो अपना बेस्ट दोगे, है ना। ऑल द बेस्ट।